अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हाँ तो तुम ही तो कहती हो कि सच बोलना चाहिए, लेकिन हम उनके सामने झूठे बन गए। अब वो जिंदगी भर हमारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उमा, आप ही खुद कौन सा सच बोलती। होना क्या है, इस घर में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है। और वो जो तुम्हारी बहू है ना, तौबा तौबा, उसके करतूत तो अम्मा कुछ ना पूछो। क्या कर दिया उसने? आजमाइश तो मेरी खत्म नहीं हो रही। घर घर होता है, घर छोड़कर बाहर निकल जाने वाली लड़कियां। तू पता है अम्मा आ गई है। अच्छा, कहाँ है? अंदर बैठी हुई है, अब अल्लाह ही रहम करे। क्यों, क्या हुआ है? होगा क्या, शामत आएगी हम सबकी। अबे शर्म कर लो थोड़ी सी, हैं बेशर्म, बाप के मुतल्लिक इस कज़िन की बदतमीज बातें कर रहे हो तुम लोग। वाह माँ, बड़ा ख्याल आ रहा है आज तो तुम्हें अब्बा का। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी। वालेकुम सलाम। ये आपके लिए चाय। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी चाय वाय की, ले जाओ अपनी सड़ी हुई चाय यहाँ से। हम पिला देंगे अपनी अम्मा को अपने हाथों से बना के चाय। रुक रुक रुक, रख दे इधर चाय। सर में दर्द हो रहा है मेरे, वैसे भी चाय पीने को दिल कर रहा था। तुझे तो कप का कहावा था मनुज, तूने ना बना कर दी। बोला था ना मैंने तुम्हारे सामने कुलोपत्रा को चाय लाने के लिए। तो वो भी तो तुम्हारी बहन है। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? कैसी नजर आ रही, ऐसी चकास तबीयत है मेरी, बहुत अच्छी। और तुम अपनी तबीयत क्या बताओ, खराब थी ना कल तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा। क्यों, क्या हो गया था? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ इनकी तबीयत को, बस तबीयत के बहाने ये दोनों मियां बीवी सैर सपाटे पे निकल गए थे। वो अम्मा हिजाब का दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी महारानी को दही बड़े खिला के ले आऊं, है ना? तो वो तो मैं तुम लोगों के लिए भी लाया था हिजाब के कहने पे। अच्छा, वो भी हिजाब के कहने पे। वाह भाई, एहसान है आपका कि आप हमारे लिए उठा के वहां से इतने वजनी दही बड़े लाई थी, मेहरबानी। सुन लड़की, ख्याल कर लिए अपनी भाभी का थोड़ा सा। है ना अम्मा, इतना ख्याल रखने के लिए इस महारानी का, मेरे छोटे बहन भाई वो क्लोपत्रा हर वक्त दुमछल्ला बनी रहती है इसका। अब वो है ना ब्लैकबेरी हिमायती इनका सबसे बड़ा। अम्मा बात सुन लो, मुझसे नहीं होती ये लल्लो चप्पो फजूल की। हाँ तुम ही लोग करो ये सब कुछ। अरे बात सुन, ब्लैकबेरी नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? अम्मा आपको तो पता, वो हर वक्त आवारा गर्दी करता रहता है, घर पे टिकता कब है वो? तो कमबख्त मारा, बिल्कुल अपने बाप पर गया, घर में तो सांस ही नहीं आती उसको। अम्मा वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ब्लैकबेरी के हवाले से। हाँ बोल बोल बोल। हिजाब तुम जरा अपने काम देख लो, मुझे जरा अम्मा से कुछ जरूरी बात करनी। जी हाँ बोल, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुमने? ये किया ना जबरदस्त काम। अबे इसको अंदर बंद करके इसकी फेंटी लगाओ साले की, ऐसा सबक सिखाओ कि आइंदा कुछ करने के काबिल ही ना रहे। बहुत अच्छे, जबरदस्त। भाई आपके दुश्मन गुलाब गोली की खबर है। अबे दुश्मन नहीं है वो, रकीब है। रकीब भी? और अबे दिमाग की दही नहीं कर, बता क्या रिपोर्ट है। भाई आपका दुश्मन गुलाब गोली पकड़ा गया। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब होगी उसकी छितरोल, वो भी टाइट वाली। अब मजा आएगा,
उसकी सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। याद करेगा वो भी कि किस शख्स से पाला पड़ा। उसको तो हमने हाथ लगाए बगैर ही शिकस्त दे दी। भाई ब्लैकबेरी का स्टाइल ही यही है, वो बंदे को धूल भी चटा देता है और खुद से मारपीट भी नहीं करता और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या है। और जब तक उसे पता चलता है तब तक वक्त गुजर चुका होता है। और खुद से हाथ भी नहीं लगाता। वैसे भाई कभी कभार ना मारपीट का माहौल भी होना चाहिए, ऐसे खुशकी में मजा नहीं आता। नहीं बिला जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, लेकिन पिट के नहीं आना। भाई अब अगला कदम बताओ क्या करना है। अगवा भाभी को? हाँ किरण को। भाई एक बार आप प्यार से बात करके तो देखो, हो सकता है वो आपके प्यार की तपिश में मोम की तरह पिघल जाए और शायद इस बखेड़े की नौबत भी ना आए। मैं क्या तपिश लगा रखी है तुमने, लड़की है या सूरज? और ये वो जो तुम्हारी ये मुश्किल मिसालों की समझ नहीं आती, आसान अल्फाज में बोलो क्या कहना चाह रहे हो। भाई आसान अल्फाजों में ये है कि आप उससे एक बार प्यार से बात करके तो देखो, हो सकता है वो मान जाए। अरे कर चुका हूं मैं उससे प्यार से बात, बहुत टेढ़ी है वो, आसानी से नहीं मानने वाली। ठीक है फिर ऐसा है तो ऐसा ही सही। और वैसे भी भाई मजा इसी में, आसान काम में क्या मजा रखा है। हाँ ये तो है, एक तो भाई तुम्हें प्यार भी बड़ी मुश्किल से हुआ है और वो भी बड़ी मुश्किल जगह पे। भाई प्यार मुश्किल ही होता है, इसी को तो एडवेंचर बोलते हैं। मेरी तो समझ से ही बाहर है ये वाला एडवेंचर। अबे तुम अपने चिड़ने से दिमाग पे ना जोर नहीं डाला कर, पहले ही काम नहीं करता, ऊपर से और नुकसान हो जाएगा। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, गुलाब गोली की शिकस्त पर पार्टी करते हैं, क्या कहता है? बिल्कुल। शौकीर को बैटरी वाले को बुला, चल चल। पार्टी तो कर लें लेकिन मेरा क्या होगा, इसकी तो बहन अमेरिका जा रही है, इससे पूछूं या नहीं, मैं सिर्फ नाम का ही रोमियो रह जाऊंगा क्या, सिर्फ नाम का। रोमियो? हाँ भाई आया। चाय अच्छी बनाई है वैसे बहू ने। अब बोल भाई क्या बोल लिया था। अम्मा वो ब्लैकबेरी सारा दिन घर से गायब रहता है। ये कौन सी नई बात है, वो तो उसका पैदाइशी हक है। वो तो ठीक है, पर अम्मा उसे कुछ सोचे तो सही। मैं क्या सोचूं, मामा कहने से रुकेगा तो इस तरह कब तक चलेगा, यूं कब तक वो सड़क छाप लौंडों की तरह सड़कें नापता रहेगा। भाई जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, काम का बोझ नहीं पड़ेगा, इसी तरह सड़के नापता रहेगा। वही तो अम्मा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप उसे कोई जिम्मेदारी दे दें, वो खुद से तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। तो कौन सी जिम्मेदारी दे दूँ, मनुष्य मारे को जो काम तो खराब करके आ जाता है। मैं तो कहता हूँ आप उसकी शादी करवा दें, ये भी तो अच्छी खासी जिम्मेदारी होती है ना। हथेली पे सर से शादी करा दूँ, किससे करा दूँ, कहाँ करा दूँ। अब ऐसे भी भाई दो बड़ी बहनें बैठी हुई हैं, उससे पहले उसकी शादी कैसे हो सकती है। आप ठीक कह रही हैं, उन दोनों की भी शादी करनी है, पर अम्मा ये ना हो कि इससे पहले वो कोई उठा के, मेरा मतलब है किसी से शादी करके ले आए तो फिर उसे भी कबूल कर लेंगे, हिजाब को किया ना कबूल। हाँ लेकिन अम्मा हर लड़की हिजाब जैसी भी तो नहीं होती ना। ये तो है, वैसे हर बेटा भी हारून नहीं होता। क्या मतलब आप? आई नहीं, फरमा बरदार कमाऊपूर। अम्मा क्या बात है, आज मुझको बड़ी मेहरबान हुई है। अभी ऐसे दिन जा रहा है ना, कभी कभी हो जाता है इंसान के साथ, वो बात कर ले जिसके लिए यहाँ बैठा है, तूने ही हिजाब को भगाया। हाँ मैं ये कह रहा था कि ब्लैकबेरी सुधर सकता है, आपको बस उससे बात करनी पड़ेगी।
कोई लड़की नजर में हो तो बात करूं ना। अम्मा आप उससे बात तो करें, हो सकता है कोई लड़की भी निकल आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो कोई गलत फैसला कर ले। क्या था फैसला, तुझे कुछ पता है उसके बारे में? मुझे नहीं, तो मैं तो ऐसी बस ऐसी खदशे का इजहार कर रहा था। आजकल का माहौल कुछ ठीक नहीं है ना इसलिए। नहीं 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 आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, ये खदशे का इजहार ही तो खतरनाक है। तुझे जरूर कुछ ना कुछ पता है, और ना आज तक तूने इस तरह बात नहीं की ब्लैक बेरी के लिए मुझसे। हाँ तो फिर क्या सोचा आपने? भाई आएगा तो बात कर लूंगी उससे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, मुझे आपसे ही उम्मीद थी जवाब की, वरना मैंने तो अब्बा और कैंची से भी बात की थी। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? अब्बू ने तो उस बात को कोई अहमियत ही नहीं दी, ऐसे ब्लैकबेरी उनका बेटा है ही नहीं, तो सिर्फ बस पापड़ से दुश्मनी निकालने में लगे। करते हैं कुछ। सैकल, अम्मा को क्या होता जा रहा है? अम्मा, डार्लिंग मुझे तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लगती। हाँ, मुझे अम्मी का कोई जहनी मसला ही लग रहा है। अच्छा, कल कहाँ थी वो? कहीं गई हुई थी क्या? हाँ, शायदा खाला के घर, बस वहां पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, जब से वहां से आई हैं अजीब बहकी बहकी बातें कर रही हैं। बस वही कुछ हुआ है उनके साथ, और उन्होंने वहां पे ना जाने क्या देखा, क्या हुआ उसने उनके दिमाग पर असर डाल दिया, और वो वहीं कहीं फंस के रह गए। अच्छा, तो अब क्या करें? मुझे लगता है कि अम्मा को ना किसी नफसियाती अस्पताल, मेरा मतलब है किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। खुद को तो दिखा लो तुम। हजार बार मैंने तुझे मना किया है कि यूं मेरी तन्हाई में अपना मनूसा मुंह लेके मत आया कर। तन्हाई में क्यों? जो तुम्हारे ऊपर भूत आशिक हो गया है उससे बातें करनी होती है तुझे? क्या हाँ, तू मेरे मामले में क्यों बोलती है? कब से सुन रही हूँ कि तुम अम्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हो। क्यों भाई, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? यही कि उन्हें नफ्सियाती अस्पताल में दिखाना होगा, जैसे उनको वाकई कोई जहनी मसला हो गया हो। अच्छा वैसे एक बात बता, तू खुद भी तो ये बात सोच, अम्मा कितना बदल गई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन पर इल्जाम लगा दो कि वो पागल हो गई है। मेरी एक बात तो सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अम्मा पे कोई जादू वादू हो गया? अम्मा अभी ये जादू टोने या सेब, इन सब के ख्याल निकाल दो, इनसे कुछ नहीं होता। तुम मत मानो ये बात, ऐसा होता है, जादू होता है, और अम्मा पर उसी का असर हुआ है। पता नहीं हूँ माफी, जो भी हुआ लेकिन मुझे तो बेहतर लग रहा है। यानी अम्मा की हालत तुझे बेहतर लग रही है? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है सब अच्छा अच्छा होने वाला है। अच्छा, क्या अच्छा अच्छा होने वाला है, जरा मुझे भी तो मालूम हो। यही कि मैं शादी करके अमेरिका चली जाऊंगी। बस बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं, और तुम भी ख्वाब ही देखती रहना, ऐसे खुश होती रहना। उमा भी तुम भी कहीं शादी कर लो, छोड़ दो इन घर वालों को और इनकी बातों को। ओ, मैं नहीं जाने वाली इस घर से इतनी आसानी से। अरे ये मेरे बाप का घर है, किसी और के बाप का घर नहीं है। तुम मत जाओ, मैं ही चली जाऊंगी बहुत जल्द। अच्छा, अरे छिपकली, मैं देखती हूँ तुझे, तू कैसे अमेरिका जाओ। तुम रोकोगी, तुम बनोगी रुकावट। तुम तो चाहती यही हो कि मैं खुशी ना रहूं। नहीं, मैं क्यों रोकूंगी तुझे, बल्कि वो जो तेरी भावज है ना, जो तुझे आसरे दे रही है, झूठी झूठी बातें कर रही है, बस इन्हीं आसरों में रहना तू, अहमक बनती रहना उल्लू। जो मुझे उल्लू बनाएगा ना, उसको मैं अच्छे से देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। देखती रहना, दफा हो जाओ यहाँ से अभी, सारा मूड बर्बाद कर दिया मेरा। जा रही हूँ मैं, तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक भी नहीं है। मैं भी आराम नहीं खाती, निकल। सहगल,
अरे अपने अब्बा की बात छोड़, ये बता कैंची ने क्या कहा ब्लैकबेरी के रिश्ते के बारे में? कैंची ने? उसने तो साफ मना कर दिया। पता था मुझे यही करेंगी वो। अम्मा कैंची जो है ना, वो इस घर में किसी को बावज के रूप में देखना ही नहीं चाहती। फिकर निकल उससे नहीं मन लूंगी मैं, रग रग से वाकिफ हूँ उसकी। हाँ सही कह रही, उसे तो सिर्फ आप ही सीधा कर सकते हैं, बहुत ही बदमिजाज है वो। अरे बेटा बदमिजाज नहीं थी वो, सब मेरी तरबियत के नतीजे हैं। सिखाया क्या उसको? लड़ना मरना घसीटना। तो फिर अब ये बताया कि सुधरेगी कैसे वो? अरे मैं हूँ ना, मैं ही सुधारूंगी, अपनी गलतियों का इजाला भी तो करना है ना। अम्मा आपको क्या हो गया, इन चंद दिनों में आप बहुत बदल सी गई हैं। ये चंद दिन तो वफा थे मेरे लिए, रहनुमाई के लिए आए थे, आगे खोल के चले गए। मुझे बताएं कैसे? अभी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी, छोड़ इन बातों को। मुझे भी तुझसे बात करनी है उमा के मुतालिक। जी अम्मा, कैसी बात? ये जो हिजाब रिश्ता लाई थी, ये बातचीत कर ली थी क्या? हाँ, पर अम्मा अब तो हम मना कर चुके, क्योंकि हुमा अभी राजी ही नहीं थी। तुम मुझे बताना था ना, फोन ही कर देते मुझे, मैं समझा लेती उसको। मुझे क्या पता था अम्मा कि आप दिलचस्पी लेंगी इस मामले में, मुझे तो ये लग रहा था कि आप भी औरों की तरह मना ही कर देंगी। अरे मैं समझा लेती उसको, अगर चल वो इनकार भी करती तो कुलोपैत्रा भी तो थी ना, उसके लिए बात कर लेती। हाँ वो तो है, लेकिन 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 क्या? अबे खुल के बता, डरा क्यों रहा है? वो अम्मी अमेरिका बहुत दूर हो जाएगा। तो खुद नहीं चाहता था ये रिश्ता हो? हाँ ऐसा ही है, आपको पता तो है शादी के बाद कितने मसाइल होते, अब यहाँ का मामला होना तो बंदा संभाल ले, इतनी दूर कैसे संभालेंगे सब। तो ये बात तूने हिजाब को नहीं समझाई? मैंने समझाई थी ये बात उसे, पर उसने मुझे बाद में बताया, बात वो पहले कर चुकी। वैसे सही कह रहा है, इतनी दूर भेजने का तो मेरा भी दिल नहीं है, आदमी मिलने मिलाने से भी चला जाता है। हम आप एक काम करें ना, आप यहीं रिश्ता देखें दोनों के लिए। यहाँ कहाँ देखूँ रिश्ता, हरकतें ऐसी हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, रिश्ता ढूंढे यहाँ। बड़ी गलतियां करती हैं जिंदगी। बेटा तुम्हारे निकाह की तैयारी मस्जिद में हो गई है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे अब्बा अभी अंदर आएंगे तो तुम हाँ कह देना। नहीं करूंगी। जिद नहीं करो हिना, जिद तुम सब्रो कर रहे हो, मुझे जिंदा दरगोर कर रहे हो। हिना तो तुम हमको जीते जी मारना चाहती हो? अपने माँ बाप का ख्याल करो, इतना मजबूर ना करो उन्हें। आप लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब बस अब चुप हो जाओ, तुम्हारे अब्बा अंदर आ रहे हैं। आज एक हिजाब के अब्बा। हिना बेटा, निका नाम में इतने दस्तखत कर दो बेटा। मैं नहीं करूंगी हिना, अभी समझाया था ना तुम्हें मैंने, और मैंने भी आपको बता दिया था, तुम इनकार नहीं कर सकती है। मैं इनकार कर चुकी हूं। आप लोग सब बाहर जाएं। जाए तो तुम निकाह नामे पे दस्तखत नहीं करोगे? नहीं। जानती हो क्या है? नहीं।
जहर मुझे देने के लिए नहीं, अपने लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर तुमने निकाह नामे पे दस्तखत नहीं किए तो अगले 5 मिनट में ये सारा जहर मैं पी लूंगा। लेकिन अब्बा ये क्यों? तुम्हारी खातिर सिंधी, तुम ही छोड़ दोगी तो जी के क्या करूंगा बेटे? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? तुम जो भी समझो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, मैं यही बैठा हूं। 5 मिनट के बाद या तो तुम दस्तखत करोगी या ये जहर मैं पी लूंगा।